हेलो बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बच्चों, इसलिए विलंब हो गया। आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, आइए आज हम देखते हैं मोशनल EMF, जैसा कि आपके बुक्स में दिया है। मेरा लास्ट वीडियो था मोशनल EMF, मैंने आपको अलग ढंग से बताया था, कॉन्सेप्चुअल बताया था। इस वीडियो में हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू NCERT बुक्स मोशनल EMF एज पर NCERT बुक्स। तो बच्चों, बुक्स में क्या किया है कि ये एक यू शेप कंडक्टर है, ये आप देख रहे हैं MN, O, K एंड देन L, ये एक यू शेप कंडक्टर है। इसके ऊपर एक ये रोड है JK, कंडक्टिंग रोड है। इस कंडक्टिंग रोड को हम इसके ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, या तो आगे ले जा सकते हैं या तो पीछे ले जा सकते हैं। क्लियर? तो वी कैन स्लाइड दिस कंडक्टिंग रोड JK ओवर दिस आर्क शेप कंडक्टर, यू शेप कंडक्टर, राइट और लेफ्ट। तो JK इज ए कंडक्टिंग रोड मूविंग ऑन ए आर्म्स ऑफ यू शेप स्टेशनरी कंडक्टर MN, O, L विथ ए वेलोसिटी भी टुवार्ड्स राइट। मान लेते हैं हम इसको राइट में ले जा रहे हैं। क्लियर? और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है। ओके? और ये जो यू शेप कंडक्टर है वो स्टेशनरी है। जे के जो कंडक्टर है उसी के ऊपर स्लाइडिंग कर रहा है, या तो राइट ले जाइए या तो लेफ्ट ले जाइए। तो हम राइट ले जा रहे हैं विथ वेलोसिटी भी के साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिखाया है, एक इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड लगेंगे, जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ भी डिस्कस कर देते हैं बच्चों। द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन दैट इज वी कैन डिटरमाइन बाय लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स क्या है? QVB, ये मैंने लिखा है QVB इज द लॉरेंस फोर्स। तो इसको हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से ही निकाल सकते हैं, राइट? तो दैट इज कंडक्टर ऐसा मोशन कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही मोशन कर रहा है। तो मोशन मेरा इस साइड है, फिर अंदर की तरफ है, राइट? तो फिर अंदर है, राइट? फिर अंदर है, मोशन ऐसा है, देखिए फील्ड अंदर है, मोशन इस तरह से है। तो अगर प्लस चार्ज है तो फोर्स ऊपर लगेगी, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन्स है इसीलिए फोर्स नीचे लगेगी। तो मैग्नेटिक फोर्स जो एक्सपीरियंस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है वो डाउनवर्ड कर रहा है। ओके? तो ड्यू टू द मोशन ऑफ कंडक्टिंग रॉड, मतलब JK, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द रॉड आर एक्टेड अपॉन बाय लॉरेंस फोर्स QVB एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज डाउनवर्ड। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? दैट इलेक्ट्रॉन्स ऐसा मोशन कर रहा है लाइक दिस, तो करंट मेरा ऐसा मोशन करेगा, द करंट विल फ्लो लाइक दिस। मैंने दिखाया है एंटी क्लॉक वाइज, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉक वाइज। ये इंड पॉजिटिव हो जाएगा और ये इंड निगेटिव हो जाएगा। तो जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, अगर हम इसमें कोई कंडक्टर ये ऐसा मोशन कराते हैं तो इट विल बिकम्स पॉजिटिव नेगेटिव। ये एक बैटरी का काम करता है, दैट इज अगर हम कंडक्टर को ऐसा मोशन कराते हैं तो इट विल बिकम्स नेगेटिव पॉजिटिव लाइक दिस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये बैटरी का काम करता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं कि कोई कंडक्टर है अगर हम ऐसा मोशन कराएंगे लाइक दिस तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हम इसको लेफ्ट की तरफ मोशन कराएंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। क्लियर? इतना तो इतना छाप लीजिए। ओके बच्चों, अब क्या होगा? तो करंट विल फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज। अब बच्चों, ये जो कंडक्टर है ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। नाउ कंडक्टर इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F डैश। इस फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं अगेन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
राइट। तो मोशन इस तरह से है, ओके। करंट मेरा ऊपर की तरफ है, तो करंट सेंट्रल फिंगर करंट ऊपर की तरफ है, फील्ड नीचे है, देखिए फील्ड नीचे है, करंट ऊपर है, ये नीचे है, फिर करंट ऊपर है, तो फोर्स मेरा अंदर की तरफ है। तो ये फोर्स कंडक्टर जे के इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स एफ डैश इनवर्ड्स। और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ डैश इज दैट इज कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है BIL। L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, इसकी लंबाई को L मान लेते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर। बच्चों चार्ज पे फोर्स क्या लगता है, QVB। कंडक्टर पे फोर्स क्या लगता है, BIL। तो ये सब फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ओके बच्चों। ये अंदर की तरफ फोर्स करेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि कंडक्टर को हम आगे मोशन कराएं, तो हमको इतना फोर्स देना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई दिस मच ऑफ फोर्स। तो मान लीजिए हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको F लगाना पड़ेगा, और F की मान हो जाएगी F इज इक्वल्स टू माइनस BIL। क्लियर। अब इस फोर्स की वजह से अब इतना डिस्प्लेसमेंट डेल्टा X अगर हम इसको करा देते हैं J के से J डैश K डैश में, तो डेल्टा X डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इन टाइम डेल्टा T। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा एक्स। तो एफ मतलब हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं BIL डेल्टा एक्स, ओके बच्चों, ओके। अब ये डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो डेल्टा एक्स को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी, इतना लिख सकते हैं। अब इसमें हम पुट करेंगे, पहले इतना छाप लीजिए। हाँ तो बच्चों अब इस डेल्टा एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो BIL डेल्टा एक्स मतलब वी डेल्टा टी। और हम ये भी जानते हैं कि करंट होता है Q/T होता है, तो I इंटू डेल्टा टी क्यू हो जाएगा, I इंटू डेल्टा टी क्यू हो जाएगा, तो BIL Q हो जाएगा। ये हो गया वर्क डन। ट्राई टू अंडरस्टैंड इस कंडक्टिंग रोड जे के को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करने में, डेल्टा एस मैंने डिस्प्लेस किया इन डेल्टा टी टाइम, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन इज BIL Q, ओके BIL Q ये मैंने डिस्प्लेस किया, ओके। तो EMF क्या होती है, EMF इज W/Q होती है, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये तो होती है EMF। तो दैट इज योर BIL V। माइनस अगर हम लगाते हैं तो ये माइनस माइनस माइनस, ये भी माइनस, तो ये भी माइनस। तो देयरफॉर मोशनल EMF E इक्वल्स टू माइनस BIL V माइनस BIL V, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो ऐसे आपके NCERT में डील किया गया है, इतना छाप लीजिए। हाँ तो बच्चों ये इतना हो गया आपका, दैट इज मोशनल EMF। अब NCERT में इसी के माध्यम से फेरारेस लॉ को प्रूफ कर दिया है, फेरारेस लॉ को प्रूफ कर दिया। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, मान लेते हैं ये मेरा पहला इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब बच्चों जब ये कंडक्टिंग रॉड यहाँ से यहाँ गया तो फ्लक्स चेंज कितना हुआ, तो दैट इज चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई। जब ये रॉड जे के से जे डैश के डैश में गया तो फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड तो बी है, एरिया यहाँ इसका एरिया, तो ये रेक्टेंगल फॉर्म में है, तो लेंथ इनटू डेल्टा एक्स, लेंथ इनटू डेल्टा एक्स, ये हो गया, दैट इज द चेंज इन फ्लक्स जब यहाँ से यहाँ गया। तो इसका रेट ऑफ चेंज अगर निकालेंगे हम लाइक दिस, BL डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा पाई बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, BL डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इज BL V। मेक इट सेकेंड इक्वेशन,
सेकेंड इक्वेशन। अब कंपेयरिंग वन इन टू, दोनों को कंपेयरिंग करेंगे, वन इन टू बी एल बी, बी एल बी यहाँ भी है, ई इधर है, ई इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा। ये आपका क्या है, फेराडेस का, फेराडेस लॉ प्रूफ। क्लियर? तो एनसीईआरटी में इस तरह से डील किया है कि इमोशनल ईएमएफ हम इस तरह से निकालेंगे, राइट। एक यू शेप कंडक्टर मान लेंगे, उसमें एक कंडक्टिंग रोड है जो कि स्लाइडिंग कर रहा है, उसको हम राइट या लेफ्ट ले जा सकते हैं। मान लीजिए अगर लेफ्ट राइट ले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स मेरा डाउनवर्ड एक्सपीरियंस करेगा, माय फ्लेमिंग्स का अखंड रूल, तो इलेक्ट्र करेंट जो है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, राइट। नो, करेंट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इस कंडक्टर में जब करंट आ जाएगा तो करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स, ये एफ डैश इनवर्ड की तरफ बाय अगेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसको आगे अगर हम मूव करना चाहते हैं तो हमको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देना पड़ेगा, दैट इज एफ इक्वल्स टू माइनस एफ, दैट इज माइनस बी एल बी, दैट इज। अब हम दैट इज फोर्स जब हमको पता हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज वर्क डन, एंड देन वर्क डन से हम ईएमएफ निकालेंगे, वर्क डन बाय चार्ज, तो हमको बी एल भी मिल जाएगा। और हम इसी से फेराडेस का नियम भी प्रूव कर सकते हैं, यहाँ से कंडक्टिंग रोड यहाँ से यहाँ गया तो चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ, आप दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, रेट ऑफ चेंज निकाल लिए। कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन मेरा ये आ गया फेराडेस का नियम, फेराडेस नियम दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस ईएमएफ इज ऑलवेज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द कॉज माइनस आर। इतना छाप लीजिए। हाँ बच्चों, तो इंड्यूस ईएमएफ आपने देखा, मोशनल ईएमएफ देखा, और फिर उसका डेरिवेशन देखा है एनसीईआरटी, और फिर हमने फेराडेस के नियम को प्रूफ किया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में आता है, डायमेंशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालेंगे, तो बच्चों इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला होता है डी बाई डी टी ऑफ फाइव ई। तो हम जब डायमेंशन इसका निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ ई, तो डायमेंशन ऑफ फ्लक्स बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। अब फ्लक्स की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, राइट, बी डॉट ए। तो B का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, B इज F बाई फोर्स बाई आई एल, ये होता है B, नॉट इट फोर्स बाई आई एल, फोर्स तो आपको पता ही है न्यूटन ना, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। एंड तो सब इसका डायमेंशन जब लिखेंगे तो हमको डायमेंशन ऑफ फ्लक्स मिलेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन, ओके। और जब टी ऊपर जाएगा तो माइनस थ्री, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। डायमेंशन जो भी नया फिजिकल कॉन्सेंट कॉन्स्टेंट आप पढ़ रहे हैं उसका डायमेंशन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ये आपके कंपिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप यू एंजॉय माई वीडियो, थैंक यू बच्चों।